संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो गया। हमारे साथ है मनोज तिवारी, बीजेपी के सांसद, वरिष्ठ नेता। मनोज जी, सत्र तो खत्म हो गया लेकिन महंगाई पर चर्चा नहीं हो सकी और विपक्ष कह रहा है कि महंगाई पर चर्चा से भाग रही है सरकार। देखिए, विपक्ष को पूरा समय था, हालांकि विपक्ष भी बहुत बिजी था। जितने महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं उस पर अच्छी चर्चा में भाग लिया है विपक्ष, हम धन्यवाद देते हैं। हम तो चाहते थे कि महंगाई पर चर्चा हो, क्योंकि जब महंगाई पर चर्चा होती तो महंगाई के बावजूद 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है, इसकी भी चर्चा होती। तो एक्चुअली वो खाली कह रहे हैं, वो करना नहीं चाहते हैं। जब उनका कहना है कि चूंकि रोज महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार अब नहीं चाहती है, क्योंकि पहले सरकार तैयार थी। देखिए, पेट्रोल डीजल की जहाँ तक बात है तो वो बार बार चर्चा करके इसी बिंदु पे आते हैं ना कि हमारे देश में जितना उपयोगिता है, जितनी ज़रूरत है पेट्रोल डीजल पदार्थों की, उसका 80% हमारा देश उत्पादन करता है। हम इधर एथेनॉल के प्रयोग से एक बड़ी भारी सफलता हासिल किए हैं, लेकिन फिर भी अभी हम 70% दूसरों पे निर्भर हैं, युद्ध के माहौल हैं। तो ये सारी चर्चा उनको पता है कि चर्चा करेंगे तो अंत में उन्हीं को समझ में आएगा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत महंगाई को कैसे नियंत्रित कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मनोज तिवारी कह रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद महंगाई पर किस तरह से नियंत्रण किया जा रहा है, और अगर चर्चा होती है तो फिर जो मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसकी भी चर्चा होगी। प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।